आगरा में लोदी कॉलोनी मस्जिद का नामो निशान मिट गया है। इसकी वजह रही है लगातार 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश। ये मस्जिद करीब 500 साल पुरानी बताई जा रही है। सिकंदरा में होली पब्लिक स्कूल के पास बनी 3 गुंबदों वाली मस्जिद ढह गई है। 3 में से 2 गुंबद गिर गए हैं, तीसरा भी गिरने की कगार पर है। यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संरक्षित नहीं थी, लेकिन इसे एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत संरक्षण के लिए चुना गया था। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने कहा है कि बेशक यह इमारत संरक्षित नहीं थी, लेकिन लोदी काल की वास्तुकला को समझाने और मुगल काल में हुए बदलावों को जानने के लिए जरूरी थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके अलावा और भी कई ऐसी इमारतें हैं जो ASI के द्वारा संरक्षित नहीं की गई है, लेकिन उनकी देखभाल की जानी चाहिए थी। अनुज कुमार पांडे, ये बृहस्पतिवार के दिन लगभग सुबह 9:30 से 10 के बीच टाइम हो रहा था। काफ़ी घनघोर बारिश हुई थी रात भर। मुझे लगता है 2 दिन पहले से भी बारिश कंटिन्यू हो रही थी, जिसके तहत ये लगातार पूरा लबालब पानी से डूब चुका था। उसके बाद अचानक से ही दिन में 9:30 से 10 के बीच में ये बारिश के चक्कर में इधर का पोर्शन गिरा है रोड पे। किसी को चोट वगैरह नहीं, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है यहाँ पे। लंबे समय से यहाँ रह रहा है, क्या जानकारी मिली, कितनी पुरानी थी, क्या बताते हैं लोग? सर, लोगों का तो कहना कुछ भी कह देते हैं, हम उसे कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं। जब मैं यहाँ से रह रहा हूँ 1.5-2 साल से, तो तब से तो मुझे दिखी रही है। इसके पहले की पुरातत्व विभाग से दिखाया ही जा रहा है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है जो दिखाई जा रही है, तो कि 200 साल पुरानी तो होगी लगभग अनुमानित। उसके पहले कब की है किसी को सही तथ्य नहीं है। ये पुरातत्व विभाग का काम है कि वो पता लगाए कि ये कितनी पुरानी है। हम झूठी कल्पनाएं करके नहीं बता सकते कि 500 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। अब ईंट पत्थरों को देख के, बिल्डिंगों को देख के ये पता चलता है कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये। राजकिशोर शर्मा राजे, इतिहासकार। ये मस्जिद जो है आज से करीब 50-52 साल पहले मैंने देखी थी, जब इसके आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, जंगल था, और उस समय भी ये 8 फुट ऊंचे पटाप पर बनी हुई थी इसका जो तले वो, और 3 गुम्बद थे इसके, अच्छी अवस्था में थी, लेकिन बिल्कुल निर्जन और वीरान थी। ना वहाँ कोई जाता था, ना कोई आता था। मेरे ख्याल से रास्ते पर कोई नहीं आता जाता था। लेकिन ये सिकंदर लोदी ने बनवाई है, और सिकंदर लोदी का राज्य आगरे में उसने 1504 में अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद 17 तक उसने राज किया, सितंबर 17 तक 1517। इस बीच में इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, जो कि अनुमान से सन 1510 और 12 के बीच हुआ होगा। किया गया था, इसकी संरक्षा की जानी चाहिए थी, इसकी जिस तरह से मेंटेनेंस किया जाना चाहिए था, रख रखाव किया जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। इस तरह की आगरे में और भी इमारतें हैं जो कि ASI द्वारा संरक्षित नहीं है, लेकिन गंभीर अवस्था में है, गिरासुर अवस्था में है, उनका भी रख रखाव होना चाहिए और गवर्नमेंट सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, किसी ने वहाँ नमाज पढ़ने का काम शुरू किया था, लेकिन हकीकत यह है वहाँ नमाज नहीं होती थी और वो एकदम वीरान पड़ हुई थी। बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा यहाँ नमाज पढ़ेंगे, तब थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोदीकालीन बहुत कम स्मारक बचे हैं और उनको इस तरह से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। ये एक तरह से आगरा की सबसे पुरानी मस्जिद भी कही है, तो ये गलत ना हुआ। हालांकि लोग कहते हैं कि सावनकटरा की मस्जिद सबसे पुरानी है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि उसका रूप परिवर्तन किया गया है। उसमें भीतर को हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो इमारत है ये प्योर लोधीकालीन थी, मुस्लिम थी, इसको संरक्षा की जानी चाहिए थी। इसका जिस तरह से रख रखाव किया जाना चाहिए था, उस तरह से इसका रख रखाव नहीं किया गया। परिणाम ये है कि आज वो नष्ट हो गई।
वो तो अब वो बसने वाले नहीं है, वो तो एक तरह से समझिए समाप्त हो गई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन के साथ राजेश तोमर की रिपोर्ट।